नमस्कार आदाब और अलैकुम मैं मोहम्मद अहमद काजमी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू आज हम सीरिया के हालात पर बात करेंगे मेरे साथ हैं डॉक्टर वाइल आवाद जो सीरिया के जर्नलिस्ट हैं भारत में तकरीबन तीस साल से हैं और इतनी लंबी मुद्दत दिल्ली में रहने वाला कोई और अरब पत्रकार नहीं है और वो अब हिंदुस्तानी जबान भी बोलते हैं आपसे बात करने से पहले मैं कुछ खास एक ये बताना चाहता हूँ कि अभी हलब जिसको एलेपो कहते हैं अंग्रेज़ी में बहुत बड़ा शहर वो आज़ाद हुआ है और एलेपो से दमिश का रास्ता क्लियर हुआ है इस मौके पर आ, सीरिया के प्रेसिडेंट बशारा असद ने आ, मंडे शाम में अपने मुल्क को अपने लोगों को दुनिया को एड्रेस किया है टेलीविज़न प्रोग्राम में उन उसमें जो खास पॉइंट्स हैं वो मैं पहले बता दूं उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर वायल अब्बाज साहब से सीरिया के प्रेजिडेंट बशार असद ने फॉरेन स्पॉन्सर्ड तकफी आतंकवादियों तकफी आतंकवादियों उन्हें कहते हैं जो दूसरे को काफिर बताते हैं और टेररिज्म करते हैं उनके साथ लंबी लड़ाई के बाद एलेपो के आज़ाद होने पर सीरियाई लोगों और अपनी फौजों को मुबारकबाद दी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जंग का ये इसको ख़ात्मा ना समझें एलेप्पो को अरबी फारसी या उर्दू जबान में हलब कहा जाता है सीरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि जब एलेप्पो शहर को पूरी तरह से दिसंबर 2016 में आज़ाद कराया गया था मैंने इस बात पर जोर दिया था कि ऐसी हालत नहीं रहेगी मुझे अच्छी तरह से पता था कि सीरियाई फ़ौजी पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं और एलेप्पो के लोगों की मुल्क से मोहब्बत के साथ साथ उनकी मदरलैंड और सेना के साथ वफादारी के जज्बात दुश्मनों के प्लान को नाकाम कर देंगे ये बात सीरिया के राष्ट्रपति बषार रसद ने मंडे की शाम में टेलीविज़न पर बात की है उसके बाद सीरिया के राष्ट्रपति ने आगे कहा कि एलेप्पो के बहुत से इलाकों में बरसों से जारी बर्बर और हिंसक उग्रवादी गोलाबारी से हज़ारों लोग मारे गए जख्मी हुए अनाथ हुए और हज़ारों महिलाएं विधवा बनी पानी बिजली और दूसरी बुनियादी ज़रूरतों के बिना बरसों की घेराबंदी से दुश्मन चाहता था कि वहाँ के लोग उनके सामने घुटने टेक दें दुश्मन की कोशिश थी कि एलेप्पो को दमिश्क से बिल्कुल अलग कर दिया जाए लेकिन हर हमले से एलेप्पो के लोगों की विल पावर और नेशनलिज्म और मजबूत हुई है सीरिया के राष्ट्रपति ने जोर देते हुए कहा कि एलेप्पो यकीनी तौर पर जंग की राख से उठेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सीरिया की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में अपने आर्थिक और वाणिज्यिक अहमियत को बनाए रखेगा आपको बता दूं कि एलेप्पो एक जमाने में बहुत ही अहम कारोबारी शहर रहा है साथ ही उन्होंने इदलिब के आजाद करने तक लड़ाई जारी रखने की बात भी कही है इस खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर वाइल अवास जो सीरिया के यहाँ पर एक लंबे अरसे से तकरीबन तीस साल से भारत में काम कर रहे हैं और नज़दीक से भारत को भी जानते हैं और अरब मुल्कों को अर, अर, अ, शुरुआत में आप सिर्फ़ वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसी साना उसके लिए काम करते थे लेकिन इसके बाद इस पूरे रीजन के कई टेलीविज़न चैनल और अखबार के लिए भी लिखते रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाहल अवास साहब आपने हमें मीडिया स्टार को वक्त दिया आप ये बताइए कि इस वक्त जो जंग की हालत है जिसमें इदलिब के आसपास बहुत से इलाक़े आज़ाद कराए गए हैं एलेपो को दमिश्क से जोड़ा गया है और एक ख़ुशी का माहौल है पूरे मुल्क में न सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि ख़त्ते में उन लोगों के यहाँ जो आज़ादी को पसंद करते हैं और हर मुल्क की सावरटी को रेस्पेक्ट करते हैं आप इसे कैसे देखते हैं इस ये सबसे पहले हमारे भी बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे को बताएं आपके चैनल में दूसरी बात यह है सीरियन मुल्क वाले के लिए मुबारक हम लोग कहना चाहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी बड़ी ख़बर है ये हमारी एलिपो है जो कैपिटल ऑफ हमदीन जो दो साल सा, दो साल से ऊपर हो गया उसकी कैपिटल ऑफ जिंकी कैपिटल ऑफ अव, ऑफ अयूब फ्दीन अयूबी जी, जी, वो तो कैपिटल है ये तो सबसे पुराना सिटी है जो इन द वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अभी ये हमारी एलिप्पो में पूरा मल्क में पूरा शहर में वो आ गया था हमारी सरकार के हाथ में हाँ। क्योंकि देख लो हमारा जब तक शुरू किया था युद्ध यूथ सीरिया के ऊपर शुरू हुआ हाँ। सबसे पहले वो तो सुवेदा में मतलब ये बीच से जो सीरिया में आद्रा में वो नीचे से बिल्कुल उन्होंने वहाँ पर शुरू किया था सा, उस साउथ में साउथ में जह, जहाँ से बिल्कुल बिल्कुल दो हज़ार दो से और उसके बाद वह होम्स में फुर एदलिप में शुरू हो गया लेकिन एलिपो में दो साल तक उन्होंने कुछ भी किए नहीं की कुछ मानते भी नहीं कह रहे हम लोग शांति चाहिए हमको किसी के बोले कल डायलॉग करा दो हमको युद्ध नहीं हो करना चाहिए इसलिए उन्होंने इंतकाम किया था ये अर्दोगान वाले जो उनकी फौज में वहीं हाँ। से आ गया था तकफीरी वाली ग्रुप है जो अलकायदा वाले लोग जो आई एस आई एस वाले ग्रुप है पूरा पूरा अलिपो में थोड़ दिया था मैं मस्जिद अभी तक वही है अलकायदा तो, तो, वाले लोग है जो तुर्की की मदद से बिल्कुल ये तो अलकायदा है तो फिर भाई शाम नाम बदल किया था दे दिया था ये सब है तो तो तकफीरी वाले का अलकायदा वाले लोग पर सीरिया वाले लोग काफ़ी लोग मार दिया था अलिपो के अंदर आप ये समझ लो अभी अलिपो में जो मस्जिद जो वहाँ पर सबसे फेमस मॉस्क है वहां वहाँ पर छोड़ दिया था मुझे याद है मैं ख़ुद वहाँ गया हूँ वहाँ इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनका सर जहाँ रखा गया था आगे। 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 हमारे बहुत से देखने वाले उनके नज़र में बहुत ही इम्पोर्टेंस है उसकी उस मस्जिद की और उस ज्यारत गाह की जी आप अपने तो आप ये समझ दो मेरे को अगर ये मुसलमान वाले लोग मर मरने के लिए मुसलमान वाले भी है तो किस चीज़ के लिए ये मतलब ही किसका वो बिल्कुल हायरिंग आदमी है आ, बिल्कुल ये किराया ले गया था अर्दोगान के लिए उनकी ये सोच रहा था ये मुस्लम उम्मा है मैं खलीफा है आ, उन्होंने ये तो इराक में डिस्ट्रॉय कर दिया था 2003 हजार तीन ही जब तक शुरू किया था आतंकवादी वही है हा, हा, वही है उन्होंने दो हजार तीन जब तक उन्होंने कह रहे हमारे अमेरिकन वाली इन्वेजन इराक नहीं हो सकता है उन्होंने परमिशन दे दिया छह बिलियन डॉलर अमेरिकन एड दे दिया था उनके लिए किस चीज़ के लिए तो इनके लिए मतलब ये कुछ बोल रहा है और कुछ कर रहा है जी जी। कुछ बोल रहे जब मुसलमान वाले लोग है देखने के लिए ये तो कह रहे देख लो उम्मा के उन्होंने ये सपोर्ट कर रहे फिलिस्तीनी वाली सपोर्ट कर करी सीरियल वाली सपोर्ट कर रहे और ये अब लावार वाले लोग सपोर्ट कर लेकिन हकीकत ये है ये आदमी है बहुत 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 परेशान कर दिया हमारे मुल्क के अंदर अभी और, तक इदलिब भी है अभी तक अलिप भी है मैं आपको बताऊं कि ये रजब तेयब अर्दान के बारे में बता रहे हैं जो आप पड़ोसी हैं और उस मुल्क पर इस वक्त भी बहुत बड़े हिस्से में कब्जा करके एक तरह से बैठे हुए हैं जिसमें दैरत ज़ोर में अमरीकी लोग तेल चोरी कर रहे हैं आपका तो ये रजब तयब अरदगान के बारे में जो आम तौर पर, पर परसेप्शन है हमारे देखने वाले भी अक्सर बड़े जज्बाती हो जाते हैं वो बात आगे बढ़ेगी लेकिन वो जो आपने बताया 2003 में इराक जंग के वक्त में अमेरिका ने क्या कुछ दिया इनको ये थोड़ा सा बताइए फिर तो हम लोग अमेरिकन के थ्रू के साथ में अम्बेरिक जर्नलिस्ट में गया था उन्होंने ये कह रहे हमको इराक के वाले के लिए अमेरिकन फौज अलाव परमिशन नहीं देते थ्रू थ्रू द तुर्की टेरेटरी लेकिन जॉर्ज बुश में उन्होंने और कॉलिम पावल जो फॉरस्ट सेक्रेटरी डिफेंस सेक्रेटरी उनकी दोनों है उनके साथ में है तो उन्होंने साथ में गया था वहां पर तुर्की के लिए उन्होंने साइन किया तो परमिशन भी दे दिया हजारों वाले लोग सर्ज मरीज में वहां पर किया था पर तो किस चीज तो, के लिए बोल रहे यही रास्ता इराक की तबाही के लिए फौजों का यही रास्ता दाइश को एंटर करने के लिए, लिए सीरिया और इराक को ये दोनों काम एक के बाद एक रजब थे वर्दान की ही लीडरशिप में ये तो बिल्कुल है ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है ये तो उन्होंने शुरू किया था वहाँ पर है इराक के अंदर फॉर रजीम चेंज पॉलिसी यू एस के लिए जो फॉलो अप कर दिया था सीरिया दे 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 के लिए अभी लीबिया भी चक्कर लू अभी इंटरवेंशन भी कर रहे हैं अल्जीरिया भी ऊपर भी है ट्यूनिशिया भी ऊपर इजिप्त के ऊपर भी है यमन के भी ऊपर भी करते वो तो आदमी के सोच रहे थे इस्लामिक उम्मा का रॉन्ग मैसेज देते उन्होंने ये गलत मैसेज देते कह रहे हमको हमको खलीफा है ये हमारे तुम एम्पायर वापस आएंगे कुछ लोग कहते हैं दो हज़ार तेईस में खिलाफ आप, आप देख लो आज का आपका आपका लोग जो देखते हैं आपके चैनल में सब लो, वाली लोग समझदारी वाले लोग हैं आपके पास बा, पास उनके काफ़ी रिसर्च करना आप रिसर्च करो देख लो जब तक उन्होंने शुरू किया था उनके पास कह रहे हमारे सिर्फ अंगूठी है हाँ, कोई पैसा है नहीं हाँ, उन्होंने अंगूठी पकड़ लिया उन्नीस सौ नब्बे है जी वो जी कह रहे सिर्फ ये इतना है मेरे पास पैसा है अभी तक इज द दंड्रेड मोस्ट रिचस्ट पीपल इन द वर्ल्ड ये पैसा कहाँ से आया ये के जज्बात वो लेने के लिए अंगूठी दिखाया था और वो अंगूठी सिम्बॉलिक भी होती है

इसी तरह से इराक में आ, मौसुल को कहा जाता है इसी तरह से सीरिया में एलेपो को कहा वहीं उन्होंने तो जिस दिन जिस दिन जिस दिन वहां पर युद्ध शुरू हो गया था एक हजार वन हजार वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक हजार पांच सौ तो फैक्ट्री में डिसमेंटल कर दिया था वहाँ पर तुर्की में आप यूट्यूब में देख लो पूरी पूरी ले गया था वहाँ पर तुर्की के लिए अंदर इसका क्या मकसद होता इसका मकसद है सीरियन सरकार में हर गिर गिर जाती लेकिन अभी तक रिवाइवल हो जाएगी अभी तक सिर्फ हमारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इदलिप के अंदर है और हमारी सरकारी राष्ट्रपति वो भी कह रहे हैं हमको सफाई करना चाहिए क्योंकि सारी दुनिया मालूम है कम से कम हमारे पास अस्सी वहां पर मशीनरी हमारे अंदर रहते ना उनकी सरकार मांग रहे उनकी शहर वो तो कह रहे तकरीबन सौ मुल्कों से ज्यादा से वो है है तो मानते नहीं लोग वापसी नहीं करना चाहिए कह रहे हमको नहीं मांग रहे और तुर्की मना कर दिया था इराक मना कर दिया था फिर हम लोग हमारे देश में किस चीज़ के लिए मैं अपने दर्शकों को बताऊं अक्सर कभी कभी कुछ कमेंट्स में आप लोगों में से कोई लिखता है शायद मालूम की वजह से असद सुन्नियों का कतले कर रहे हैं क्या ये मैंने एक अपने पिछले लाइव प्रोग्राम में भी कहा था कि क्या आप इन दाइश या अन नसरा फ्रंट जो ये दहशत गर्द हैं क्या आप उन्हें सुन्नी मानना चाहते हैं ये खुद अपने आप में बहुत ही घटिया सोच है ना सुन्नी ना शिया कोई भी गलत नहीं हो सकता सिर्फ दहशतगर्द ही दहशत गर्द है और वो अगर एजेंट अमेरिका इजराइल और तुर्की और सऊदी अरब का है तो वो बहरहाल मुल्कों को तबाह करने के लिए आया हुआ है आगे बात बढ़ाइए आप देख लो ये ये तो बिल्कुल गलत बात है ये लोग सोचते हैं ये तो हमारी सरकार के मुसलमान वाले को मार दिया हम लोग भी मुसलमान हैं लेकिन ये तो हम अगर हमको मुसलमान जो हमारे कुरान करीम फॉलो करना चाहिए इमान नफ्स आलम आलमकुल्ल मीनस अगर आप एक आदमी मार दिया था बिना बिना हक ये आपका पूरा मुल्क में पूरा दुनिया में लोग है आप मार दिया था इसलिए थी किस चीज़ के लिए हाउ कैन यू किल योर ऑन ऑन मुस्लिम ये तो जो हमारे खून गिर गया था हमारे सीरिया के अंदर हाँ। हर सीरियन में अगर सरकारी भी किया था अगर वो तो टेरर्स भी किया था इतना नुकसान हमारे लिए हमारे मुसलमान वाले लोग हैं हम क्यों मार दिया था अगर आप कह रहे हैं सुनिशाह आ सीरिया के अंदर आप बोलो लीबिया में क्या कर रहे हैं लीबिया में कुछ नहीं करता लीबिया में है क्या इजिप्ट में दे, दे। किस चीज की बात कर रहे करें इसलिए तो, आ, र, तो र, रिजीम बिल्कुल वही मैं कहना चाहते हो ये रिजीम चेंज का पॉलिसी जो फॉलो अप कर दे आ, और तुर्की में नाटो तु मेंबर्स आ, अगर नाटो मेंबर नाटो इंटरेस्ट कर रहा है तो नॉट फॉर इंटरेस्ट फॉर द मुस्लिम उम्मा यही हम लोग लोग समझाना पड़ेगा ये तो इतना परेशानी अभी इंडिया के अंदर भी है कितना भी इंटरवेंशन भी कर रहा है क्योंकि उनकी पॉलिसी ये है ये सोच रहा था हमको अगर हमको सारे मुसलमान वाले लोग बीच बीच आना चाहिए उनकी कोई स्लोगन लाना चाहिए आप फलस्तीनी के अंदर क्या कह रहे हैं फलस्तीन कह रहे तो

वो मुनाफिक भी हो सकता है वो किसी भी लेवल पर हो सकता है इसलिए हमको ये कहना चाहते हैं हमारे जो हमारा सिर्फ ये प्रॉब्लम अरब मुल्क में सिर्फ फ़लस्ती वाले की प्रॉब्लम जो इसराइली वाले ने उन्हें ऑक्यूपाइड किया था अगर फ़लस्तीनी वाले का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं देते तो हमारे के लिए सफ़र हो रहा है इसलिए हमारे सीरिया के ऊपर यूथ चल रहा चाहते हैं क्योंकि उनके रिजीम चेंज पॉलिसी शुरू किया उन्होंने फेल किया था उन्होंने बाई आर्म फेल किया था अभी उनजन तैयारी कर रहा है सपोर्टिंग ओनली टेररिस्ट ये ख़ुद उन्होंने बंदूक दे दिया दो तीन सीरियन वो शूट डाउन कर दिया था कि से आया वेपिन कहां से आया सारे वेपिन वहां पर ये तो तुर्की में और नातो के थ्रू अगर, अगर कतर वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं हमको एक वन हंड्रेड थर्टी सेवन बिलियन डॉलर्स हमको पैसा दे दिया, दिया था वो आर्म के लिए जब तक खुद लोग कह रहे और जब तक ट्रंप खुद प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हमको ये एस आई एस हमको बनाया था था। थे थे। और आ, वो अलकायदा भी हमको बनाया पीपल हैज़ टू बी फूल्ड हमारा दो चीज है ऑयल जब तक सीधा हो रहा है थे थे। अभी गैस में सबसे बड़ा गैस गैसियन सी और दूसरी बात नजदीक टू तो इसराइल अगर हमको कल का इसराइल का दो, दो, दोस्त बनाते ना दुश्मन है थे थे। तो हमारे का प्रॉब्लम खत्म हो गया तो इसलिए अमेरिकन फॉरन पॉलिसी हाँ, मेन चीज ये है हाँ, सीरिया के या कोई अरब मुल्क में डिसंटीग्रेशन ऑफ द अरब कंट्रीज और दूसरी बात इसराइली करना हाँ। का इसराइल से दोस्ती आपका खत्म तेल, 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 तेल चोरी करने के लिए पहले दोस्ती होगी फिर कब्जा कर लिया बिल्कुल तीसरी अभी जो जॉर्डन वैली पर मैं है, कह रहा, अभी तक जॉर्डन का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है अभी में एक अहमियत भी है अभी देख लो जो हमारे वॉर चल रहा है हमारे यूथ चल रहा सीरिया के अंदर आप किस चीज के लिए अमेरिकन में सीरिया अंदर बैठे और किस चीज के लिए तुर्की में आ गया सीरिया के अंदर ये फॉरन इंटरवेंशन फॉरन इंटरवेंशन एक मकसद देर इज सिनिस्टर प्लॉट और इनके उनकी इंटरेस्ट है जो उनके कुछ चीज मांग रहे सीरेकिन तेल का या टेरिटरी में अभी तक वो पूरा करना चाहिए या उनके लिए तो गैस मांग रहे या इसराइल के लिए इंटरेस्ट कर रहा था और कहीं वो मुसलमान के वाले लोग कुछ नहीं करते ये तो बिल्कुल झूठ बोलने के लिए अभी देख लो जिंदगी में हम लोग यहाँ पर तीस साल में रहते हमको सब कुछ सारी दुनिया मालूम है हमको किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए हमको बिल्कुल हक करना चाहिए ट्रूथ टेल द ट्रूथ इवन इफ इट इज पेनिंग इज पेनिंग टू यू हमारे देश में वी हैव सफर नौ साल सफर हो गया था हमारे देश में अभी तक रीबिल्डिंग करना चाहिए वी नीड द हेल्प ऑफ एवरी ह्यूमन इन दिस अर्थ टू हेल्प अस रीबिल्ड सीरिया तबाही सीरिया में हुई है आप गूगल करके देखें मुख्तलिफ शहरों में कितनी तबाही हुई है मेरा अपना तो असेसमेंट यह है कि उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना ज्यादा महंगा है उससे कि नया शहर बना लिया जाए इतनी बड़ी तबाही हुई है अच्छा नेटो का आपने जिक्र किया और नेटो में तुर्की है और अकेला मुस्लिम मुल्क नेटो में है तो क्या मतलब एक, एक सवाल जहन में उठता है कि क्या तुर्की को नेटो में रख करके तमाम मुस्लिम मुल्कों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक आउटलेट बनाया गया और उधर उन्हें खुश खुश कर दिया गया कि आप नेटो मेंबर हो गए प्रिविलेज नेटो मेंबर जबकि वो तमाम इन मुस्लिम मुल्कों को एक तरह से तबाही का काम कर रहा है आप इसे किस तरह से मैं ने? आपके लिए एक चीज़ बताऊँ ये तो नातों में जब तक तुर्की में मेम्बरशिप बनाया था ये तुर्की उन लोगों समझा दिया तुर्की में आप यूरोपियन मेंबरशिप member, बना दे, देने के लिए यूरोगी। लेकिन यूरोप वाले रहे हमको आपके लिए आज का ना सौ सा, साल के बाद आपके लिए मेंबरशिप नहीं देती तो आप ईस्ट में देख लो दे दे तो दे अभी दे। देख लो फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम जीरो अर्दगान पूरा पूरा मुल्क में जो उनकी नजदीक है बॉर्डर में हर, हर देश, देश है उनकी जगड़ा चरू कर रहा है तो अभी तक उनकी पॉलिसी लोकिंग ईस्ट पॉलिसी और मुसलमान वाले अरब मुल्क में

इराक जंग मैंने 2003 में कवर की उसके बाद भी फॉलो करता रहा हूं आ, संजर के आसपास तुर्की की कुछ फौजें बैठी थी क्या अब भी वहां पर तुर्की की फौजें हैं इराक में उस हिस्से में या वहां से हट गई ये तो तुर्की में हमेशा फॉर सेंचुरीज दे मोसल हमारा लिए तुर्की के लिए हाँ। और अलीपोम तुर्की के लिए मतलब इनके दिमाग में इतना यह है और दाइश के जरिए भी इन्हीं शहरों पर कब्जा किया गया उन्होंने कब्जा किया था।, था और नाम दाश भी दिया था दाश के नाम वैसे अगर ये तो गलत है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये दाश का गलत है दाश का नाम का मुसलमान वाले लोग है कोई जो अब तक ओल्ड टाइम वॉर एंड दाश वाह में यह नाम दे दिया था उनके लिए टू गिव हिस्ट्री बैकग्राउंड बैक ग्राउंड गवर्नर वो अरबी में लफ्ज है इस्लामिया फिल दौलतिया व शाम उसका ये एब्रीविएशन बनाया गया दाइश लेकिन असल में ये आतंकवादी हैं और वो टेररिस्ट इस पूरे खिते में टेररिज्म करते रहे हैं और आपको याद होगा सैकड़ों सैकड़ों लोगों को लिटा करके गोलियां चलाई हैं कैसी कैसी वीडियो खतरनाक आप लोगों ने देखी हैं क्या उस सबको भूला जा सकता है हाँ अब ये बताइए कि सीरिया में अब आगे क्या अभी आगे अभी देख लो अभी सारी दुनिया मालूम हो गया दर इज़ अ टेररिज्म सीरिया के अंदर सिर्फ इदलिब के लिए भी रहेगा बाकी हमको 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 सफाई करना चाहिए सिर्फ तुर्की सपोर्ट कर रहे हैं और ये तुर्किश गवर्नमेंट वो सरकारी समझ में नहीं आया क्यों उन्होंने सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनके ये लोग कहाँ जाएंगे देख लो आपका याद है जब तक इराकी जब तक अफगानिस्तान के हो गया था पूरे लोग वहाँ पर अरब अफ़गान गया था अलकायदा इन इन यमन अलकायदा इन मराकश अलकायदा इन सीरिया इन इराक ये लोग वापसी जाएंगे

फाइट अगेंस्ट टेरिज्म के ऊपर सीरिया के बाद उसके बाद अमेरिकन ट्रूप्स ब्रिटिश ट्रूप फ्रेंच ट्रूप एंड दुर्किरिया दीज आर एलिगल ट्रूप्स वो नो हथारना चाहिए हर हालत अच्छा उसमें दैर जोर में जो अमरीकी फौजी तेल चोरी कर रहे हैं उसकी कुछ डिटेल आपकी सीरियन हुकूमत को भी कुछ पता चलती है कि क्या कुछ जा रहा है कौन खरीद रहा है इन लोगों से तेल ये जा तो जा? तेल में देख लो अभी यू कंपनी भी आ गया था तेल कंपनी दिगिंग और सऊदी वाले का लोग आ गया और तुर्की वाला ये तो अमेरिकन कंपनी भी आते और उनकी उनकी डिगिंग हाँ के लिए और पूरा पूरा तेल में तुर्की के थ्रू जाएंगे तो थ्रू दरमेद्रेन बेचने के लिए पैसा लेते और हमारा चोरी काम करते और ये काउबॉय वो कह रहे हमको किस चीज़ के लिए सीरिया अंदर अंदर बहते वो तो खुद जब तक त्रम कह रहे हैं हमारे हमको यहाँ पर सीरिया अंदर बहते क्योंकि वे आर गार्डिंग ऑयल तो ऑयल इट इज़ फॉर द सीरियन पीपल ना सरकारी ना किसी को बाहर वाले का दिस बिलोंग टू सीरियन इसलिए हमको काफ़ी सफ़र हो गया इकोनॉमिक सैंक्शन शुरू हो गया था लोक इस मार गया था हमारे पास डीजल भी नहीं है बिजली भी नहीं है सब कुछ भी नहीं है लेकिन हमारा इज्जत भी है लोग हमारी काफ़ी पंद्रह दस हज़ार साल का हमारा जिंदगी में सीरिया का मिजाबुहम या सीरिया और इराक के अंदर हम लोग रहने के लिए वी आर वी विल सरवाइव लेकिन वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरन ट्रूप्स इन आवर टेरिटरी ये बाहर जाना चाहिए एंड वी विल मेक दैम पे फॉर द प्राइज फॉर मेकिंग सफ़र बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वायल साहब खास तौर पर यह बात ध्यान देने की है जो नई बात अभी यहाँ हिंदुस्तानी मीडिया में अवल तो बहुत सी चीज़ें नहीं आती लेकिन यूएई सऊदी अरब अमेरिकन कंपनियाँ सीरिया से तेल चोरी करके तुर्की के रास्ते मेडिटेरेनियन को आ, पहुंचाती हैं और इसराइल को भी जाता होगा जहां जहां भी जा सकता है वो उनके हाथ में चला गया तो ये सारी चोर हुकूमतें एक सवरन मुल्क के अंदर जा कर के ज़बरदस्ती एक तरह से कब्जा करके चोरी कर रही हैं इस पर पूरी दुनिया की आंखें बंद हैं ये यूनाइटेड नेशन सारे अरब लीग ओ सब सब बिल्कुल खामोश हैं चूँकि सब के तार कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाद शुक्रिया जय भारत जय हिंद मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें